हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग मेंटर्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मणिपुर विषय पर 10 लाइन निबंध। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का विषय है मणिपुर। नंबर वन, मणिपुर भारत का एक राज्य है। मणिपुर भारत का एक राज्य है। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में स्थित है। नंबर थ्री, मणिपुर की सीमाएं पश्चिम और उत्तर में असम राज्य के साथ तथा उत्तर पूर्व में म्यांमार के साथ बनती है। नंबर फोर, मणिपुर राज्य में अधिकतर जनसंख्या अल्पसंख्यक की है। नंबर फाइव, मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से मैतेई जनजाति
के लोग रहते हैं। नंबर सिक्स, मणिपुर एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है। नंबर सेवन, मणिपुर की एक विशेष संस्कृति है जिसमें नृत्य और संगीत शामिल है। नंबर एट, इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। नंबर नाइन, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 23वां राज्य है। नंबर टेन, यहां की मुख्य भाषा माहिती लोन है। सो लेट्स सी, चलिए पढ़ते हैं। हमारा आज का विषय था मणिपुर। नंबर वन, मणिपुर भारत का एक राज्य है। नंबर टू, मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में स्थित है। नंबर थ्री, मणिपुर की सीमाएं पश्चिम और उत्तर में असम राज्य के साथ तथा उत्तर पूर्व में म्यांमार के साथ बनती है। नंबर फोर, मणिपुर राज्य में अधिकतर जनसंख्या अल्पसंख्यक की है। नंबर फाइव, मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से मैतेई जनजाति के लोग रहते हैं। नंबर सिक्स, मणिपुर एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है।
नंबर सेवन, मणिपुर की एक विशेष संस्कृति है जिसमें नृत्य और संगीत शामिल है। नंबर एट, इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। नंबर नाइन, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 23वां राज्य है। नंबर टेन, यहाँ की मुख्य भाषा माहिती लोन है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।